what I said was, मैंने वो ये कहा था कि ये जो फतवा इशू होते हैं, ये फतवा इम्पैक्ट करते हैं, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ वोट को इम्पैक्ट करते हैं। अब वो असर करते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इम्पैक्ट करते हैं। फतवा मीन्स अ डिक्टेट, इट मीन्स अ डायरेक्शन, एंड इट ऑल्सो मीन्स एक मैसेज, एक हुक्म, हुक्मनामा इन अ वे। सो ये क्या ये होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? मैं ये कह रही हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये देखना नहीं चाहिए कि जो फतवा लास्ट मिनट में या हुक्मनामा या आदेश या डिक्टेट या हुक्म, क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए ठीक है? मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे बताया गया कि मेरी काफ़ी कृष्णा नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग जब तक वो एक ऐसे एरिया तक नहीं पहुंची तब तक मेरी सीट में लीड थी, लेकिन उस लीड के बाद वो इट स्टार्टेड टू ड्रॉप। तो वो उस एरिया में वो था जहां फतवा दिया गया था, ये बताया गया। आई कैन बी रॉन्ग बट इट कैन बी इंक्वायर्ड इन। मैं चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन उसका इंक्वायरी करे, उसे क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या ये फतवा का असर हुआ कि नहीं। इनफैक्ट इट्स अ स्टडी टू बी डन कि फतवा का असर होता है कि नहीं, क्योंकि कृष्णा नगर तक की कॉन्स्टिट्यूएंसी तक तो वो मेरी लीड में था, लेकिन जैसे वो उस लास्ट वार्ड पर पहुंचा जहां फतवा दिया गया था वो हार गया, 2500 वोट से हारा। तो मैंने ये कहा है कोई भी हुक्म, कोई भी थिंग, ये इलेक्शन कमीशन को इस वक्त जांचना चाहिए कि क्या ये फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ वोट ले लेता है कि नहीं। मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी भी बताया, लेकिन ये एविडेंस करता है इम्पैक्ट होता है। तो अब मैंने सर ये रिक्वेस्ट की और